चैनल आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज मैंने क्या क्या किया और क्या क्या करने वाली। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर किचन में मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, और नाश्ते में बन रहा है पोहा। तो देखो प्याज और आलू मैंने सेक लिए हैं, और यहाँ पर चाय भी मेरी बन के रेडी है। और अभी मटर का सीज़न है तो मटर भी भर भर के आ रही हैं, तो थोड़ी सी मैंने इसमें मटर डाल दी, मतलब अलग से तो नहीं छीली थी, जितनी छिली हुई रखी थी उतनी सी डाल दी है। और बिना हरी मिर्च के पोहे में कैसा ही मज़ा रहेगा, इसलिए हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है। और आज काम तो मैंने बहुत सारा सोचा है, मतलब थोड़ा सा पेंडिंग काम पड़ा है, सोच रही हूँ वो कंप्लीट कर दूँ, लेकिन देखते हैं मुझे जैसा मतलब टाइम समझ में आएगा उस हिसाब से मैं काम कर लूँगी। और अभी फ़िलहाल तो मेरा पोहा रेडी हो गया है, इसको सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ना अनार भी छील के रखे हैं तो वो गार्निशिंग के लिए, और ना धनिया मेरे पास इतना सा ही बचा है, वो भी दो चार पत्ती ही होंगी उसमें, लेकिन ऐसा लगता है ना कि चलो थोड़ा सा डाल दो तो वो अच्छा लगेगा, भले उसका टेस्ट कुछ नहीं आएगा क्योंकि इतनी सी धनिया का क्या टेस्ट आएगा, फिर भी मैं चलो डाल देती हूँ। मतलब पोहे में ना अनार का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा मत डालो, थोड़े से दाने डालोगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। चलो पोहा तो मैंने इनको दे दिया है, ये नाश्ता कर लेंगे। और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारा फैलारा फैला के रखा है, मतलब मुझे थोड़ा सा सामान भरना था तो इसलिए मैंने सारा ही सामान जो है ना वो नीचे फैला दिया, और अब इसको मैं ना व्यवस्थित भरने वाली हूँ। तो एक बार मैं ना आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्यों फैलाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अब इतना सारा फैला तो लिया, मैंने इनको भरूँगी कैसे। तो देख के हंसी आ रही है ना कि ये क्या फैलाया है। एक्चुअली मैंने ना सारे बॉक्स खाली कर दिए, तो उसमें जितना भी कचरा था ना वो सारा नीचे फैल गया है। और यहाँ पर देखो एक मैं बहुत अच्छा आपको ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ, ये जो बॉक्स है ना, मतलब इसके ऊपर ढक्कन भी आया है, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें ना स्पेस बहुत अच्छी है, साथ में इसमें ना नीचे पहिए भी लगे हैं तो मूवेबल है। और ये देखो ये इसका इस तरीके से कुछ ढक्कन आया है, और अच्छी क्वालिटी का है, तो आप इसमें ना सामान रखोगे ना तो कहीं भी इधर उधर नहीं होगा, खास करके जो बच्चों के टॉयज़ है ना वो इसमें बहुत ही अच्छे से रखे हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना ऐसा लगता है फैले हुए टॉयज़ ही लगते हैं। और ये ऐसा है कि आराम से आप इसमें टॉयज़ भर दो और ईजिली इसको खोल के मतलब खेल भी लो, मतलब जो बच्चे हैं वो आसानी से इसको खोल के और खेल सकते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। और अब ना मैं सारी चीज़ें इसमें एक एक करके व्यवस्थित करती जाऊंगी। पहले तो मैंने एक ही ऑर्डर किया था पर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोच रही हूँ एक और ऑर्डर कर लूँगी। इसमें ना स्टोरेज बहुत अच्छा है और चीज़ें भी ना फैली हुई नहीं लगती। और देखो ये वाला जो फैला रहा होता है ना, इसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कौन सा सामान छांट लो कौन सा सामान फेंक दो, इतनी ज़्यादा मेहनत हो जाती है ना। बड़ा बड़ा सा जो सामान रहता है ना वो तो निकल के आ जाता है कि चलो ठीक है ये उठा लिया ये उठा लिया, भी यार छोटे छोटे सामान को निकालने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पर ठीक है, टाइम टू टाइम इन चीज़ों को ना बार बार निकाल कर और अरेंज करते रहना चाहिए, नहीं तो सारी चीज़ें सब मिक्सअप हो जाती हैं, क्योंकि ना हम कितनी भी कोशिश कर लें कि नई सब चीज़ व्यवस्थित रखी है और अपनी अपनी जगह पर रखी है, फिर भी कहीं ना कभी कभी जल्दबाजी में ना सारी चीज़ें मिक्सअप हो ही जाती हैं, जिनको टाइम पर अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो यहाँ ना मैं क्या कर रही हूँ, टॉयज़ में से ना जो कलर्स होते हैं ना वो अलग हटा रही हूँ, क्योंकि सब मिक्सअप होके रखे थे यहाँ पे। और मुझे अभी ना लंच भी बनाना है, लेकिन ये सब मैं ना अभी ही करने बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना इतना दिमाग में ऐसा लग रहा था उतल बुतल सा कि कितना ज़्यादा फैल रहा है, और वही सोच रही हूँ फटाफट से ये काम कर लूँ जिससे फिर टाइम पे लंच भी बना लूँ। पता है अगर मुझे ना थोड़ा फैला हुआ दिखता है ना तो मेरा और कामों में भी ना मन नहीं लगता, और जब साफ सुथरा सा अच्छा व्यवस्थित चीज़ें दिखती है ना तो मुझे लगता है कि हाँ अब अच्छे से काम मतलब सारे काम हो जाएंगे। हाँ थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन मैंने सारा सामान अच्छे से भर दिया प्रॉपर अपनी अपनी जगह पर। और जब मैं ना सामान जमा रही थी तब उस टाइम पर मैंने ना यहाँ पर चावल के पापड़ बनाने के लिए ना चावल का जो आटा होता है उसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया था ताकि वो अच्छे से पक जाए। और देखो धीरे धीरे ये ना गाढ़ा भी होने लगा है। चावल के पापड़ बनाने में ना सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना चाहिए कि इसमें ना गुठलियाँ नहीं पड़े, नहीं तो आपके जो पापड़ हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे। और अब मैं ना बालकनी में आ गई हूँ, क्योंकि फ्लैट्स में छत तो होती नहीं है, तो बालकनी में ही अच्छी धूप आ रही थी तो वहाँ पर मैं पापड़ फैलाने के लिए आ गई। और कुछ तो मेरे पास ना प्लास्टिक की पॉलीथिन कम थी, इसलिए मैंने थोड़े से जो बचे थे ना वो थाली पर फैला दिए थे, और बाद में ना ये सूखकर भी बहुत ही अच्छे बन गए थे। मतलब मैंने जब इनको जब ये सूख गए थे ना, दो दिन की धूप में सूख पाए थे क्योंकि ठंड है,
और जब मैंने इनको ना फ्राई किया था तो बहुत ही अच्छे ये बन गए थे। अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, तो यहाँ सोच रही हूँ पत्ता गोभी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ सब्जी तो रखी नहीं थी। पत्ता गोभी रखा था तो एक सूखी सब्जी ये हो जाएगी, बाकी मैं देखती हूँ अलग से। और पत्ता गोभी ना मैं हमेशा छील कर बनाती हूँ, मतलब डायरेक्ट कट नहीं करती हूँ, इसके एक एक पत्ते मैं निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, ये अच्छे से साफ भी हो जाता है, मतलब कीड़े वैसे अगर हम डायरेक्ट कट करेंगे तो इतने अच्छे से समझ नहीं आएंगे। एक एक पत्ता अगर निकाल के साफ करते हैं ना, इससे ना पत्ता गोभी अच्छे से साफ दिखता भी है और ना कटिंग में भी बहुत अच्छे से इसकी बारीक कटिंग हो जाती है। और साथ में इसमें ना मटर गाजर भी मिला दूंगी, तो वो एक हेल्दी सी सब्जी हो जाएगी। वैसे आज मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि जो मैंने सामान उठाया था ना, बहुत उसमें मेहनत लग गई थी। देखो दिन का खाना वाना तो हो गया, और इसके बाद ना मेरी एक बड़ी गंदी आदत है कि खाने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ना चाय पी लो, और जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और मैं रोज भी नहीं पीती हूँ, कभी कभी पीती हूँ। देखो थोड़ी सी बनाई है, बस ऐसे ही कभी कभी अच्छी लगती है, और चाय पीती हूँ फिर मैं। चलो चाय लेकर मैं जाती हूँ अंदर और वहीं बैठकर पीऊंगी। बेड पे ना बहुत ही अच्छी धूप आती है, तो वहां मतलब बालकनी में जाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती, आराम से बेड पे बैठे रहो और ना धूप इतनी अच्छी आती है। देखो ये जो विंडो है ना, यहाँ से बहुत ही प्यारी धूप आती है। ये इस तरीके से ना सारे बेड पर ऐसी धूप रहती है, मतलब धूप ना देखो 11 बजे से आ जाती है, 11:15 से, और बस 3:30 बजे तक रहती है इस तरीके से, और बेड पे बहुत ही अच्छा लगता है। और देखो अभी मेरे फेस पे भी ना आपको धूप दिख रही होगी, अच्छा बढ़िया गुनगुना हो जाता है बेड, और जैसे उसके बाद धूप चली भी जाती है ना, तो भी अच्छा सा गुनगुना सा बना रहता है। और देखो सामान में ना मुझे ये कुछ मिरर्स मिल गए थे, मतलब ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे सारे, बहुत सारे डिजाइन के हैं, और ये ना पैकेट जो मैंने खोले थे ना वो ऐसे ही रख दिए थे, तो सारे मिरर ना बॉक्स में फैल गए थे। मैं ना इनसे कुछ ना कुछ क्राफ्ट बनाती रहती हूँ, DIY करती रहती हूँ, इसलिए मुझे ये ना यूज में आते हैं। मतलब देखो जरूरी नहीं है कि बाजार से ही सारी चीजें परचेज करो शोपीस की, घर में भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। और मैं तो ना कुछ बनाती रहती हूँ, और बहुत सुंदर भी लगते हैं, और मार्केट से ना कम प्राइस में भी ये सारी चीजें बन जाती हैं। अगर वही चीजें ना हम मार्केट से परचेज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं, और थोड़ा सा अगर हम मेहनत कर लें घर में तो ये चीजें ना बहुत ही आसानी से और बहुत सुंदर बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखो ये ना सब मिक्सअप हुए पड़े हैं, तो मैं इनको भी अलग अलग करके रख दूंगी सारे। तो आज ना बहुत ज्यादा काम हो गया, तो आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं। होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना भूले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।